आसा महला पंजवा उद्यम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग हर हर नाम चलावो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आप राव सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखण का चाओ दया करो किरम अपने को यह मनोरथ स्वाओ तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किछ नाहीं ज्यों ज्यों राखें त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहीं जन्म जन्म के किलबिख काटे मज्जन हर जन तूर पाए भगत परम पौ नसै हर नानक सदा हजूर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी सानू अरदास करन दी प्रेरणा करते क्योंकि दास नू इस लाइन विच विचरदियां तजर्बा होया कि कोई सिख विरला ही होवेगा जिहड़ा अपने लिए आप अरदास करे। बहुते ते कहिंदे जी अरदास भी तुसी करो, ये तो बिल्कुल वो गल है कि बीमारी मैनू है दवाई तुसी खाओ, हासोहीणी गल नहीं भाई। जे लोड़ मैनू है तो मैं क्यों ना अरदास करूं। मैनू एक तजर्बा होया रामपुर खेड़े गढ़दी वाला दे कोल संत बाबा हरनाम सिंह जी दे स्थान ते मैं एक हफ्ते लई कथा करन गया। बड़ा आनंदमयी समा हुंदा है, बड़ी संगत प्यार वाली टिकदी है जुड़दी है। तो एक दिन कथा करके सर्दियां दे दिन सन, मैं धुप सेकण लई खड़ा सी। एक बच्ची आई, उहदे चूड़ा पाया होया, बड़े सुंदर कपड़े, एवं लगदा सी वी इसका विआह होया, आनंद कारज होया, थोड़े दिन होए। मैनू आके बड़े लाड नाल कहिंदी बापू जी मेरी अरदास करो। मैं कहा बेटा की अरदास करोनी? कहिंदी जी मेरा विआह हो गया, मेरा पति विदेश विच है ते मेरा वीज़ा लग जाए। पता नहीं की मेरे मन च गुरु ने प्रेरणा कीती। मैं कहा बेटे दरवाज़ा दरबार साहब का खुला है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश, ते तू जा मथा टेक ते अरदास कर, जे तेनू कोई रोकेगा ते मैनू कही। खैर उस बच्ची ने कोई हील हुजत नहीं कीती, मेरे देखदिया वो चली गई। उन्हें बड़ी भावना नाल धन गुरु ग्रंथ साहब जी अगे मथा टेके, गल विच पला पा के उन्हें अरदास कीती। उन्हें अरदास विच की कहा ते की नहीं कहा ते गुरु जाने या वो जाने। अगला दिन होया, फिर आई कहिंदे बापू जी मेरा काम हो गया। मैं क्या बधाई होवे ते हुण, मैं क्या अगों जदों भी तेनू कोई लोड़ पए ना ते आप ही गुरु नाल जुड़िया कर, आप ही अरदास करिया कर। अज बहुते सिख सिखणियां इहो जिहे मिलदे जी तुसीं साडी अरदास करो। मैं कहना ठीक है, साडे विच अरदास दी बड़ी महत्ता है, पर गुरु अर्जुन देव पातशाह ते कहिंदे भई इह काम आप करो, आप अरदास करो ते गुरु अगे ये मन जोड़ के बेनती करो।
लो विचार करिए। रहाओ दी पंक्ति विच महाराज कहंदे ने मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आप। रहाओ हे वाहिगुरु मेरे ते कृपा करो, वसो मेरे हृदय मेरे हृदय च वस जाओ। पर ये काम होना ते तुहाडी सहायता नाल है। होए सहाई आप, तुसी आप ही कृपा करो। बाणी च लिखे आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामण कंते भावे आपे ही रावे। असी ते वो काम करना जो परमात्मा नूं चंगा लगे। मन में राम नामा जाप, मेरे ते ऐसी कृपा करो मैं अपने मन विच तुहाडा नाम जपदा रहा, होर किसे पासे ना जा। जिवें गुरु अर्जुन देव जी फरमाते ने, तुदनों छोड़ जाइए प्रभ कैंधर, आन बिया तेरी समसर, तुद बिन दूजा नाई कोई, तू करतार करें तो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। मन में राम नामा जाप, मैं अपने मन में सदा ही तुहाडा नाम जपदा रहा। पर एक काम च मैं कामयाब तो होवांगा जे तुसी कृपा करो। खुदा मंजूर करता है, दुआ जब दिल से होती है, पर ये मुश्किल है कि मुश्किल से होती है। ये विश्वास बने, ये भरोसा बने, ते असी होर चीज़ां मंगण दी बजाए ये मंगया करी, कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आप। हुण पातशाह शब्द के पहले पद विच ध्यान दें। देखो जिहड़ा उद्यम शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आम असी बजुर्गों तो सुनते हैं कि उद्यम अगे लक्ष्मी, पखे अगे पौन। बाणी च बहुत जगह आता उद्यम करेंदियां जियो तू, कमावदियां सुख भुंच, ध्यानदियां तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। उद्यम बड़ा जरूरी है, उद्यम तो बिना तो बात नहीं बनती। कई आउणगे साढ़े कोल जी सवेरे उठिया नहीं जाता, अरदास करो। वो भाई अरदास तुसी करो तो उद्यम भी करो। अपने सौण का टाइम ठीक बनाओ, राती 12-12 बजे तक तो फिल्मां वेखी जांदे, टीवी नहीं बंद करदे, सवेरे कित्थों उठाया जाएगा। मतलब कहने तो कि जो आप भी करो तो गुरु पातशाह कहिंदे अरदास करो, उद्यम करो करावो ठाकुर, हे मेरे मालक मेरे ते मेहर करो, मैं उद्यम करा। देखो ये भी मंग है, उहदी कृपा हो जाए तो मैं बड़े बड़े लोग देखे ने जिहड़े 10 बजे उठते हैं, वो अमृत वेले उठन लग पे, नितनेम करन लग पे, बाणी पढ़न लग पे। उहदी कृपा होनी चाहिए, वो तो बड़ा दयालु। तो महाराज कहते ने ये अरदास करो, उद्यम करो करावो ठाकुर, हे मेरे मालक मेरे तो ये उद्यम कराओ, भाव मैं उद्यम करा, मैं इस पासे लगा। पेखत साधु संग, ते जेड़े तुहाडे नाम नाल भिजे हुए ने मैं उन्हां दी संगत करा। देखो संगत में जाण दे नाल बड़ा कुछ प्राप्त होंदा, साधु दी संगत बड़ा कुछ बख्शदी, गुरमुखां दी संगत गुरु दी संगत
पाठ कीरत जी ने ते नचोड़ कर दिता, आख्या हम अवगुण भरे एक गुण नाई, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। हे वाहिगुरु कृपा करो, उद्दम करो, इनू करो कहना है, उड़े नंकड़ फस्ट परसन है, अगे है करावो ठाकुर, ये हाई नंकड़ है, तुसी मेरे तो ये उद्दम करो ना करो, मैं ये यतन करा पर तुहाडी मेहर तो बिना नहीं कर सको, ते मेहर किथे होंदी है, पेखत साधु संग, गुरमुखां दी संगत विच आया प्रेरणा मिलती है, सिख्या मिलती है, अगवाई मिलती है, मैं एक नहीं अनेकां बंदे देखे ने जिहड़े टुटे हुए सन जुड़ गए, संगत विच आया उन्हां नूं रंग चढ़ गया, इसे लई सियाणियां ने कहा भी जैसी संगत वैसी रंगत, ये अरदास करो, उद्दम करो, करावो ठाकुर पेखत साधु संग, हर हर नाम चढ़ावो रंगन आपे ही प्रभ रंग, हर हर नाम चढ़ावो रंगन, इनू चढ़ावो नहीं कहना चढ़ावो, थोड़ा जा रारे नू पारा करके बोलना, मेरे ते हरी नाम दी रंगन चाढ़ दो, सत्संग जी रंग चढ़न वास्ते भी कुछ समा चाहिए, बाणी च बहुत कुछ लिखे, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचै सब कोए, कोरा किनू कहते, जिहड़ा कपड़ा धोता ना होवे उहनू कोरा कहते, कदे तुसी कोरी पग कोरा दुपट्टा लै जाओ ललारी कोल, उहनू आखो जी रंग चाढ़ दिओ, कहिंदे पहिलां धो के लियाओ, या सियाणा ललारी पहिलां आप उहनू धोवेगा, उहदी आकड़ फाकड़ कढेगा ते फिर रंग चढ़ावेगा। इस तरह अरदास करनी, हे वाहिगुरु हर हर नाम चढ़ावो रंगन, साडे उत्ते हरी नाम का रंग चाड़ो, ये हुण चढ़ेगा तां जे सेवा करांगे, वेखो अपने गुरु साहिबान का जीवन पढ़ के, सिखां का जीवन पढ़ के, वेख पहला तो भाई लहणा जी भी देवी दे पुजारी सन, पहला तो श्री अमरदास जी भी गंगा की यात्रा करन जाया करते सन, पर लगातार सेवा की, ऐसी सेवा की कि पहला सारा रंग उतर गया, फिर जिहड़ा रंग चढ़िया वो सिर्फ उन्होंने अपने जोगा नहीं सी, उन्होंने फिर कईयां नूं रंग चाढ़ दिया। तो इसलिए अरदास भी आप करया करिए, मंग भी मंगया करिए, अहीं तां साडी थां तुसीं अरदास कर दो, अहीं तुहानूं दो चार दस रुपये दे देंगे, तुसीं साडी अरदास कर, सिख धर्म सारा ही इस पासे तुर पे, विदेशां विच बैठे आप नहीं पाठ करना, तुसीं पाठ कर दिओ जी, भोग पा दिओ जी, साडी अरदास कर दिओ जी, असीं पैसे भेज देंगे, ना भाई ये तो मन की अवस्था बनानी पैंदी है, तो मन की अवस्था बनाने लई आप अरदास करनी पैंदी, उद्दम करो, करावो ठाकुर पेखत साधु संग, हर हर नाम चढ़ावो रंगन आपे ही प्रभ रंग। हे वाहिगुरु आप ही कृपा करो, असी तो जिहो जे हैगे हां उहो जे, इसलिए पातशाह ने मन में राम नामा जाप, मैं अपने मन विच राम दे नाम दा जाप करां, कर कृपा वसो मेरे हिरदै होए सहाई आप, आप मेरी सहायता करो।
फिर अगे पातशाह कहने सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, जदों संगत में जावांगे गुरमुखां कोल बैठांगे बाणी दी विचार करांगे फिर की होवेगा, अंदर चाह पैदा होवे। चाह हुंदा ना किसे तो सुन के, फलाना बंदा बड़ा चंगा है, फलानी थां बड़ी चंगी है, फलानी दवाई बड़ी चंगी है, चाह पैदा हुंदा। इसे तरह सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, हे प्रीते मुजस्मे वाहिगुरु, जदों संगत में जाके तुहाडा नाम सुनिया, तुहाडी महिमा सुनी, तुहाडे गुण सुने, प्रभ वेखण का चाहो, फिर प्रभु दे दर्शनां दा चा पैदा हो। ये जिहड़ा चा है ना, इस तो बिना गल नहीं बन। रोज आनंद साहब च पढ़ मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापै। ज्यों ज्यों संगत में जावांगे बाणी दा कीर्तन सुनांगे, बाणी दी विचार सुनांगे, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रपेखण का चाओ, सारे भगतां दा जीवन पढ़ के देख लो, उन्हां नूं चाओ कित्थों चढ़िया, लगन कित्थों लगी संगत विच। चाहे वह भगत रविदास जी सन, चाहे भगत नामदेव जी सन, चाहे भगत कबीर जी, संगत विचों उन्हां नूं प्रेरणा मिली। बाबे ने तो कहा तुसी रोज तीर्थां ते जांदे हो, मेरी गल मन्नो, माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान, हर का नाम त्याए सुन सबना नूं कर दान, जन्म करम मल उतरै मन ते जाए गुमान, काम क्रोध न मोही है बिन सह लोभ सुवान। और तुसी ते दो चकारे सुन के खुश हो जाते, चार बंदे सिफत कर दें तो खुश हो जाते, ना करन ते तुसी मर जा जांदे हो। पर महाराज की कहंदे ने, कहंदे सच्चे मार्ग चलदियां उस्तद करे जहान। तुसी तुरके दा देखो, एक दो चार नहीं, सारा जहान तुहाडी उस्तद करे। तो पातशाह कहंदे जदों गुरु की संगत च गए, सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रपेखन का चाओ, फिर उहदे दर्शनां दा चा पैदा हो, फिर मन अरदास भी जुड़िया, दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। अपने तो असं अरदास करते नहीं, जे करते हैं तो साडा सुहाओ प्रयोजन ही कुछ होर हुंदा, साडा मुकदमा जितया जाए, साडा वीजा लग जाए, साडा आओ हो जाए, साडा आ हो जाए। महाराज कहंदे नहीं, हे वाहिगुरु मैं होर कुछ नहीं मंगता, दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। मेरा तो यही मन का मनोरथ सुहाओ प्रयोजन है कि मैं तुहाडे दर्शन करने चाहुंदा, ते मेरे ते कृपा करो। उद्यम करो करावो ठाकुर पेखत साधु संग, हर हर नाम चढ़ावो रंगन आपे ही प्रवरंग, मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई आप रहो। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रपेखन का चाओ, दया करो किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। लो तीजे पद विच पातशाह कहंदे ने सचमुच अरदास करनी ते इउं करो, तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किछ नाही। एक अवस्था है, असी ते आने है ते तुहाडा पर हाथ ना कोई लावे, रवे साडे कोल ही, रजिस्ट्री साडे नाम ही नहीं, नहीं ये अंदरों त्याग करना है, इहदा अहंकार छड्डना है, इहदी होमे छड्डनी है। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे बस किछ नाही,
हे वाहिगुरु, ये तन भी तेरा दिता है, ये तन भी तेरा दिता है, ते तू मेरा है, हमरे बस किछ ना ही, साडे वास्ते कुछ है ही नहीं, अही ते काठ की पुत्री, हाँ ये तो तुहाडे हाथ है, तन धन तेरा, तू प्रभ मेरा, हमरे बस किछ ना ही, ज्यों ज्यों राखें त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाएं, जिमें जिमें तुसी रखो उमें रहना। यह है उसकी रजा विच राजी होना। एवें थोड़ा बाबा नानक जी ने कहा है, किव सत्यारा होई है, किव कूड़ै टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। असी तो होमे नहीं छड़, 100 रुपया जे दे दईए तो अं ने साडा नाम ही नहीं लिया, साड़ी अरदास ही नहीं हुई। गुरु साहब की कह रहे, तन धन तेरा, तू प्रभ मेरा, हमरे वस किछ नाही, ज्यों ज्यों राखें त्यों त्यों रहना, तेरा दिया खाएं। लो आखिर भी चौथे पद विच महाराज निचोड़ कर दें, कहते जन्म जन्म के किल विख काटे, मज्जन हर जन धूर, हरी दे जना दी चरण धूड़ विच इनान करन नाल। की हुंदा? जन्म जन्म के किल विख काटे, जन्मा जन्मा दे लगे हुए पापा दी मैल कटी जांदी। कदों? मज्जन हर जन धूर, हरी दे जना दी चरण धूड़ी, भाव सेवा करन नाल, संगत करन दे नाल, उन्हां पुराणियां आदतां ते संस्कारां नूं छड्डन नाल। फिर वह भी किमें पाए भगत प्रेमा भगती होवे। अज साडे विच दिखावे की भगती बड़ी, भई पता लग जाए लोगों ने इन्होंने पाठ कराया है, पता लग जाए इन्होंने आ दान किया, प्रेमा भगती तो कदे लभदी नहीं। तो गुरु पातशाह कहिंदे पाए भगत गोविंद पाओ भगत दा भुखा, उहदा प्रेमा भगती दा भुखा है, देण वाला तो सब कुछ उह है। पाए भगत परम पौ नस है, जिहड़ा प्रेमा भगती नाल याद करे उहदे अंदरों परम ते पौ दोवें ही खत्म। हर नानक सदा हजूर, नानक जी फरमांदे ने हे हरी, मैनू सदा अपनी हजूरी विच रखो, मैं सदा तुहानू हाजर नाजर समझा, ते मन मैं राम नामा जाप, कर कृपा वसो मेरे हिरदै, होए सहाई आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।